इस वीडियो को हर वीडियो की तरह पूरा देखना, क्योंकि आज आप इस वीडियो में मोनालिसा पेंटिंग के बारे में 20 ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट्स को जानोगे जो यकीनन आपको हैरान कर देंगे। फैक्ट नंबर 1, रहस्यमय मुस्कान लिए ये चेहरा जिसके चाहने वालों की संख्या आज दुनिया भर में है, दुनिया भर के लोग इस चेहरे की इस रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के पीछे पागल हैं। लोगों की चाहत और प्यार को देखकर यकीनन आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा कि लूवर म्यूजियम में इस पेंटिंग का एक ऑफिशियली मेल बॉक्स था, जिसमें लोग इस पेंटिंग के बारे में अपनी चाहत और अपने प्यार का इजहार करते थे। हर रोज इस मेल बॉक्स में बहुत सारे लव लेटर्स, फ्लावर्स और गिफ्ट मिलते थे। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा की इस रहस्यमय मुस्कान और सुंदरता के पीछे लोग इसके प्यार में इतना पागल थे कि उनको कुंवारा ही रहना पड़ा, क्योंकि वो सिर्फ मोनालिसा या मोनालिसा के जैसी दिखने वाली लड़की से ही शादी करना चाहते थे। ल्यूक मास्पेरो, जो कि एक पेरिसियन आर्टिस्ट थे, इन्होंने 1892 में पेरिस के एक होटल के 4th फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी, क्योंकि ये मोनालिसा के प्यार और उसकी रहस्यमय मुस्कान के पीछे पागल थे। इन्होंने अपना एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें इन्होंने मोनालिसा के प्रति अपने प्यार और सालों के इंतजार के बारे में लिखा था। ऐसी ही एक घटना फिर से 1910 में हुई, जब एक व्यक्ति ने मोनालिसा की मुस्कान में अभिभूत होकर लूवर म्यूजियम में ही पेंटिंग के सामने अपने आप को शूट कर लिया। वो मोनालिसा की इस रहस्यमय मुस्कान पर फिदा हो गया था। जनरली जब हमसे कोई व्यक्ति किसी चीज की तारीफ करता है, तो वह हमसे ये कहता है कि यार तुम उसको देखकर उस पर फिदा हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे, मतलब वो चीज आउट ऑफ द वर्ल्ड है, हमारी सोच के बियॉन्ड है। इसी इम्प्रेशन को लोगों के सामने रखने के लिए उसने अपने आप को सूट कर लिया कि आप उसे देखने के बाद डेड फील करोगे, पूरी तरह से उसी में खो जाओगे। सच में ये पेंटिंग इतनी रहस्यमय है कि मुझको इस पर 3 वीडियोस बनाने पड़ गए। फैक्ट नंबर 3, ये पेंटिंग नेपोलियन को इतनी ज्यादा पसंद थी कि उसने इस पेंटिंग को 4 साल तक अपने बेडरूम में लगवा कर रखा था और इटली में मोनालिसा के जैसी लड़कियों को खोजने का एक मिशन शुरू किया था, ताकि वो मोनालिसा के जैसी किसी लड़की के साथ शादी कर सके। मोनालिसा के प्रति इसी स्नेह ने नेपोलियन को टेरेसा गुआडाग्नी से शादी करने के लिए अप्रिसिएट किया, जो कि मोनालिसा के वंशज ही एक महिला थी। फैक्ट नंबर 4, इटली और फ्रांस में 18th और 19th सेंचुरी में लड़कियों का मोनालिसा के जैसे दिखने का एक फैशन था। मोनालिसा के जैसी दिखने वाली महिलाओं को खूबसूरत माना जाता था। फैक्ट नंबर 5, यकीनन आप जितना इस पेंटिंग के बारे में सोचते हो, ये पेंटिंग उससे कई गुना ज्यादा छोटी है। आपको इमेजेस में देखने से ये पेंटिंग बहुत बड़ी समझ में आती होगी, पर रियल में ये पेंटिंग सिर्फ 30x20 inches की ही है। फैक्ट नंबर 6, लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को आज से 500 साल पहले पॉपुलर लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को बनाने में स्पुमाटो पेंटिंग टेक्निक का उपयोग किया था, जिससे इसमें ब्रश के निशान और पेंटिंग लेयर्स दिखाई नहीं देते। विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में कहीं कहीं पर 30 से भी ज्यादा लेयर्स का इस्तेमाल किया है, जो कि 40 micrometers से भी ज्यादा पतली है। फैक्ट नंबर 7, इस पेंटिंग पर अगर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है, तो वो मोनालिसा की इस रहस्यमय मुस्कान पर, जिसने करोड़ों लोगों को कंफ्यूज कर रखा है। नॉर्मली जब आप इस पेंटिंग को देखोगे तो ये मुस्कुराती हुई समझ आती है, पर जैसे जैसे आपके और पेंटिंग के बीच डिस्टेंस घटती जाएगी, ये मुस्कान फीकी पड़ने लगेगी, मतलब मोनालिसा की मुस्कान बदलती रहती है। पर कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने यह कहकर सभी को हैरान कर दिया कि मोनालिसा की इस रहस्यमय मुस्कान का राज है उसके ऊपरी 2 दांतों का टूटा हुआ होना, जिससे उसके होंठ एक रहस्यमय मुस्कान बनाते हैं। फैक्ट नंबर 8,
वैसे तो मोनालिसा की इस रहस्यमय मुस्कान पर लोगों के अलग अलग विचार हैं, पर सन 2000 में हार्वर्ड के एक न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने ये बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती बल्कि हमारा माइंडसेट बदलता है। मतलब ये हमारे माइंड पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस नजरिए से देख रहे हो। आप जिस चीज को मोनालिसा में ऑब्जर्व करोगे आपको वही दिखेगा। मतलब अगर आप मोनालिसा को सैड समझोगे तो वो आपको सैड दिखेगी, और अगर आप हैप्पी समझोगे तो वो आपको हैप्पी नजर आएगी। फैक्ट नंबर 9, मोनालिसा। आज ये पेंटिंग वाकई में दुनिया की सबसे महंगी और सबसे खूबसूरत पेंटिंग है, पर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस पेंटिंग का नाम मोनालिसा इसका रियल नाम नहीं है। इसका रियल नाम है लीजा गेरार्दिनी, जो कि फ्लोरेंस के एक सिल्क मर्चेंट फ्रांचेस्को डेल जियोकोंडो की वाइफ थी, जिसको मैंने इस वीडियो में पुख्ता सबूत के साथ प्रूव किया है और इस पेंटिंग में छिपे एक हिडन चेहरे को भी डिकोड किया है जो इस पेंटिंग की डेफिनेशन को ही बदल देता है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप इस पेंटिंग पर गौर करोगे तो आपको मोनालिसा के आईब्रोज देखने को नहीं मिलेंगे, जो कि एक इनकम्प्लीट पेंटिंग का सिग्नल देते हैं। पर 2007 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट पास्कल कोट ने इस पेंटिंग के एक अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन स्कैन को पब्लिकली पब्लिश किया, जो कि मोनालिसा के आईलेसेस और आईब्रोज का सबूत थे। मतलब मोनालिसा को उसके आईलेसेस और आईब्रोज के साथ पेंट किया गया था, पर ये समय के साथ धीरे धीरे गायब हो गए। शायद ये पेंटिंग की ओवर क्लीनिंग की वजह से ऐसा हुआ होगा। फैक्ट नंबर 11, एक मॉडर्न फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ने इस पेंटिंग में ये फाउंड किया कि मोनालिसा का चेहरा 83% खुश, 9% निराश, 6% फियरफुल और 2% एंग्री है। फैक्ट नंबर 12, मोनालिसा दुनिया की सबसे मशहूर और सबसे ज्यादा देखी जाने वाली पेंटिंग है, जिसे एक इटालियन आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंची ने सन 1503 से 1519 तक बनाया था। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इटली की सबसे मशहूर पेंटिंग आज फ्रांस में कैसे है? सन 1517 में लियोनार्डो फ्रांस के राजा फ्रांसिस फर्स्ट के इनविटेशन में फ्रांस चले गए और मोनालिसा को भी साथ ले गए और वहीं पर काम करते रहे। इसके बाद 1519 में फ्रांस में ही लियोनार्डो की मृत्यु हो गई और मोनालिसा को उनके स्टूडेंट सलई को सौंप दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि सलई ने फ्रांसिस फर्स्ट को ये पेंटिंग 400 सोने के सिक्के लेकर बेच दी और फिर यह रॉयल संग्रहालय का एक हिस्सा बन गई। इसके बाद इसे कुछ सालों तक पैलेस ऑफ फाउंटेन ब्लू में प्रदर्शित किया गया और फिर इसे किंग लुइस द्वारा कुछ सालों तक पैलेस ऑफ वर्साइल्स में प्रदर्शित किया गया और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन के चलते इसे 1797 में लूवर म्यूजियम में रख दिया गया। तब से लेकर आज तक ये पेंटिंग लूवर म्यूजियम में ही दिखाई जा रही है। फैक्ट नंबर 13, इटली खूब ये प्रयास कर रहा है कि ये पेंटिंग इटली के म्यूजियम में प्रदर्शित की जाए, क्योंकि ये इटली की अमानत है और इसे एक इटालियन पर्सन ने बनाया था। बल्कि इटली के लोगों का ये भी मानना है कि फ्रांसिस ने खरीदा नहीं था बल्कि इसे अपने संग्रहालय में ऐसे ही रखवा लिया था, जहाँ से दोबारा ये इटली वापस नहीं आ पाई। फैक्ट नंबर 14, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फ्रांस कभी भी इस पेंटिंग को इटली को लौटाएगा, क्योंकि हर साल लूवर म्यूजियम में 1 करोड़ से भी ज्यादा विजिटर्स आते हैं, जिसमें से 80% विजिटर्स सिर्फ मोनालिसा को देखने आते हैं। फ्रांस इसको ना लौटाने के 2 रीजंस बताता है। पहला कि ये पेंटिंग बहुत पुरानी है और इसे इधर से उधर ले जाना ठीक नहीं रहेगा। दूसरा ये कि हमने इसे खरीदा था, अगर आपको ये चाहिए तो आप भी इसे हमसे खरीद सकते हैं, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि 2021 में इसके प्राइस को देखकर कोई इसे खरीदेगा। अगर इसे इंडियन रुपी में कन्वर्ट करें तो ये 64 अरब से भी ज्यादा होगा, पर इसे फ्रेंच हेरिटेज लॉ के अनुसार बेचा या खरीदा नहीं जा सकता।
फैक्ट नंबर 15, लूवर म्यूजियम में सालों से प्रदर्शित की जाने वाली ये पेंटिंग क्या आपको पता है कि एक बार चोरी हो गई थी? साल 1911, 21 अगस्त की रात ये पेंटिंग म्यूजियम से चोरी हो गई। सुबह तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा। म्यूजियम के कर्मचारियों ने सोचा कि इसे म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा, पर म्यूजियम में कहीं भी ना मिलने पर इसे चोरी घोषित कर दिया गया। पूरा फ्रांस इस शोक में डूब गया। लोग उस खाली जगह को मोनालिसा के प्रति अपने शोक को जाहिर करने के लिए देखने आने लगे, जहां मोनालिसा की पेंटिंग पहले हुआ करती थी, जहां पर उन्होंने मोनालिसा के लिए फ्लावर्स और लेटर्स छोड़े थे और छोड़ी थी अपनी यादें। 2 साल बाद नवंबर 1913 में ये पेंटिंग इटली में मिली, जब विंसेंजो पेरुगिया नाम का एक शख्स एक आर्ट डीलर अल्फ्रेडो गेरी को ये पेंटिंग बेचने जा रहा था। गेरी ने विंसेंजो की डील को एक्सेप्ट किया और पुलिस को इसकी सूचना दे दी और इस प्रकार पेरुगिया को पकड़ लिया गया। दरअसल पेरुगिया लूवर म्यूजियम में ही काम करता था और मौका मिलने पर वो इसे अपने कोट में छिपा कर भाग गया था, जिसके लिए उसको 8 महीने की जेल हुई। फैक्ट नंबर 16, पेरुगिया एक सच्चा देशभक्त था और वो चाहता था कि मोनालिसा को इटली के म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाए, क्योंकि ये इटली की अमानत है। भले ही विंसेंजो को उसके क्राइम की सजा दी गई हो, पर इटली ने उसकी देशभक्ति का सम्मान किया और उसका स्वागत किया। फैक्ट नंबर 17, इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने के लिए इस पर हमले भी हुए हैं। अगर आप पेंटिंग में मोनालिसा के लेफ्ट एल्बो को देखोगे तो आपको ये निशान नजर आएगा, जिसे बोलवियाई के एक टूरिस्ट पर्सन युगो उनगाजा विलगैस ने एक पत्थर फेंक कर बनाया था। बाद में इसे रिस्टोर भी किया गया, पर यह पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हो पाया। कुछ ही महीनों बाद इस पर फिर से एक व्यक्ति ने तेजाब फेंकने की कोशिश की, जिसने इसके निचले सिरों को हिट किया। इन हमलों ने एक बुलेट प्रूफ ग्लास को प्रेरित किया और इसकी सिक्योरिटी के लिए इसे एक बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रख दिया गया। फिर भी इस पर एक महिला ने स्प्रे करने की कोशिश की और 2009 में एक रशियन लेडी ने इस पर सिरेमिक मग फेंका, पर दोनों ही केसेस में ये पेंटिंग सेफ रही। फैक्ट नंबर 18, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस पेंटिंग को अपने स्थान से 6 बार बदला गया, ताकि ये पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ में ना जाए। फैक्ट नंबर 19, पैरानॉर्मल क्रूसिबल नाम की एक वेबसाइट ने यह दावा किया कि जब इस पेंटिंग को मिरर में लेफ्ट साइड से जोड़ते हैं तो एक एलियन की तस्वीर बनती है, जिसे आप ये देख सकते हो। पर यह हैरान तब कर देती है जब एक और सिद्धांत सामने आता है कि लियोनार्डो ने इस पेंटिंग के लेफ्ट साइड में कुछ सीक्रेट वर्ड को छुपा रखे थे, जो ये थे, ला रिस्पोस्ता सी त्रोवा की, मतलब आंसर इज हेयर, और ये ठीक जहां एलियन बनता है वहां लिखा हुआ है। फैक्ट नंबर 20, बेशक मोनालिसा दुनिया की सबसे खूबसूरत और फेमस पेंटिंग है, पर सबसे ज्यादा फेमस ये तब हुई जब इसे चुरा लिया गया था, जिसकी वजह थे पाब्लो पिकासो। अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा तो आपको ये पता होगा। तो यार इस वीडियो में इतना ही, पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 भी देखे होंगे तो आपके अंदर इस पेंटिंग के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई होगी और बहुत सारे सवाल भी आपके मन में आ रहे होंगे। तो यार कमेंट करो अपने सवालों को और लाइक करो इस वीडियो को, ताकि हम आपके लाइक से मोटिवेट होकर इसका आखिरी वीडियो भी जल्द ही आपके सामने ला सकें। गुड बाय।